अब हम लर्न करेंगे कि ब्रेक, ब्रेक एट अ पॉइंट एंड ज्वाइन कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ब्रेक के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में ब्रेक कमांड लिखेंगे, BREAK, और हम ब्रेक कमांड यूज कर सकते हैं। ज्वाइन के लिए हम यहाँ पे ज्वाइन लिखेंगे, JOIN, हम ज्वाइन कमांड यूज कर सकते हैं। या फिर हम मॉडिफाई में जाके ब्रेक एंड ज्वाइन कमांड यूज कर सकते हैं। रिबन के अंदर मॉडिफाई पैनल में हम इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे ब्रेक, ब्रेक एट अ पॉइंट और ज्वाइन कमांड हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब हम ब्रेक कमांड लेते हैं, यहाँ से ब्रेक कमांड मैंने ली, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मुझे ब्रेक करना है, नाउ स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, या फिर ये ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लेती है। बट अगर मुझे वहाँ पॉइंट नहीं देना है तो मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ से पिक करूँगा एंड देन सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट, मुझे कहाँ पे ब्रेक डाउन करना है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है, एंड देन स्पेसिफाई द सेकेंड पॉइंट, मुझे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देना है, तो ये लाइन हमारी यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक के बाद है हमारे पास ज्वाइन, अगर हम इन लाइंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं इस कमांड को लाइन को सिलेक्ट करूंगा, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, देन प्रेस एंटर, ये उसको ज्वाइन कर देगी। उसके बाद है हमारे पास ब्रेक एट अ पॉइंट, मैं यहाँ से ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक एट अ पॉइंट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, नाउ आस्किंग फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट मुझे यहाँ मिड से देना है, यहाँ से मैंने मिड पॉइंट दिया और ये लाइन हमारी ब्रेक हो गई है, ये लाइन अलग हो चुकी है हमारी और ये लाइन अलग हो चुकी है। इस लाइन को भी हम ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, सेलेक्ट द बोथ लाइन्स देन प्रेस एंटर, और ये हमारे पास अब सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हम ब्रेक, ब्रेक एट अ पॉइंट और ज्वाइन कमांड को यूज कर सकते हैं।